अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसां तकने हो बिल्कुल न्यूज़ तक में असां मेज़बान नदीम चौधरी ते अज असां इसलै करनल महमूद गौरमेंट मिडिल स्कूल गोलपुर च मौजूद हाँ। तो जैसा कि तुसां सारे बंदे की पता है कि कल जो 16 तारीख इत्थै बहुत बड़ा वॉलीबॉल नाल मैच हो रहा, तो उस तैयारियां शुरू हुई। तो जो गोलपुर वॉलीबॉल क्लब ने सरप्रस्त आला राजा अग्रवाल साहब और इसलै साडे नाल मौजूद है, इस हवाले नाल मैं गल कर सके कल मैच के हवाले नाल क्या पैगाम दे सकते तकने वाले। राती 9 बजे जी, राती 9 बजे जो बंदे दिखाने चाहे इस मैच की शो मैच की वो जो है बिल्कुल न्यूज़ की जरा लाइक करो पेज की इन शाला जी। सारी कोशिश है कि असं मैच ने वैसे शौकीन तक होना, लेकिन गुलपुर ने तारीफ ही जी कि बड़ा मैच आ, तो अस आने के नाल चलो सी तरह का जो बैरून है ममालिक सारे दोस्त संगी दोस्त जो मैच ने शौकीन है उन्होंने नाल दसा था। सारे नाल मास्टर गफार और मौजूद है, इन्होंने भी इस हवाले गल कर सकता कि वह क्या आखना चाहने वाला। कोई सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दिया, तो इंशाल्लाह कल जो मैच हो रहा है वो इंशाल्लाह उसकी भरपूर तैयारी भी कर रहे हैं हम, तो उसकी तैयारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। दो जो क्लब हैं वो मकामी गुलपुर के ही हैं, एक गुजर क्लब है और एक गुलपुर क्लब है, तो इंशाल्लाह ताला अच्छा मुकाबला होगा, तो उसके लिए हमने भरपूर तैयारी भी की। तो अमन पुरअमन मैच ज़्यादातर लोगों का कुछ लोगों से हमने तो ये तस्वीर सुना है कि ये जो मैच है इसके में रिहर्सल में बाद में मुखालफत वगैरह इस तरह का कोई ये मैच भी आता कि रहेगा या नहीं? नहीं नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, ये तो चम होते हैं आदमी इस तरह की जो अफवाहें फैलाते हैं। हम मैच जो खेल रहे हैं ये फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, दोस्तों मैच खेल रहे हैं, तो हम गुलपुर क्लब जो दूसरा अकील भाई हैं वो भी इधर के रहने वाले हैं और हम भी इधर के रहने वाले हैं, तो मैच एक दिन के लिए सिर्फ एक दिन होगा और उसको ख़त्म हो जाएगा, तो इसके लिए हम जो है वो इंशाल्लाह ताला इसके लिए एक अच्छा माहौल तमाशाइयों के लिए लोगों के लिए, क्योंकि ये हमारी लोकल गेम एक इंटरटेनमेंट के लिए लोगों को वॉलीबॉल के अलावा कोई इतना हमारे पास ग्राउंड भी नहीं है तो मैसर भी नहीं है, तो इस मैच को हम अच्छे से अच्छे तरीके से जी नाज़रीन जैसा कि आपने गफार भाई की बात सुनी है उनका कहना है कि ये मैच है जो ये वॉलीबॉल के जो शौकीन हज़रात हैं उनके लिए है, ये सिर्फ मैच की हद तक है। जैसा कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं उसमें कोई सदाकत नहीं है, ये मैच लोगों के हमारे पास इतने ग्राउंड नहीं है कि हम लोगों को और किसी खेल की तरफ मुतवज्जो कराएं, तो इसलिए हमने ये वॉलीबॉल का मैच रखा है। तो हमारे साथ राजा एजाज साहब भी मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले तो बड़ा शुक्रिया, तो इंशाल्लाह चंगा मैच हो सी जी, चंगा ग्राउंड नहीं, सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, तो जी कोई तसली गल ही खिलाड़ियाँ नहीं होनी, ग्राउंड नहीं आता होने सारे मामला, तो अकील साहब जो सारे भाई है घर ही करनी गल ही करनी है, दो टीम ही असं कोई तसल नहीं, कोई मामला नहीं है, ठीक है, तो इंशाल्लाह ठीक मैच हो। नाज़रीन इन्होंने गल्ला भी तुम सुनिया, ये भी गल पाने कि जो मैच है ग्राउंड च एक मुकाबला होना, जड़िया भी दो टीम खेलिया होनी, एक जितनी तो एक हारनी है, लेकिन जो वॉलीबॉल ने जो शौकीन है जो इतने भी आने के मैच तकसम है, जो बाहरले मुल्कों भी उन्होंने एक अपना अपना अपने अपने खिलाड़ी जो उसने उन्होंने पसंद होने, तो उसी हर हर बंदा उसी सपोर्ट करना कि सारा ये पसंद ना खिलाड़ी आ। तो राजा नईमर भी संभाले वाले है, उन्होंने भी गल करना चाहे अस करो भाई वो गल करना चाहे, तो भाई इम्तियाज और इंग्लैंड चु आए, क्या लगे ठीक हो? अल्लाह ने शुक्र मैच में मारे आए या बस मैच में मारे समझो टिकट टिकट असि पाकिस्तानी बोल अपनी बस लाख डेढ़ लाख बनी जाना लाख डेढ़ लाख रुपया जी ये टिकट खर्च करी तो खाली मैच तकने इन्होंने शौक नहीं आदि उस तक ही सकने हो कि इंग्लैंड जो मैच तकने बारे लाख डेढ़ लाख रुपया खर्च करी तो मैच तकने आए तुम जो तकने वाले लोग हैं उन्होंने क्या पैगाम दसो? पैगाम दसा जी अच्छो तो मैच तको इंशाल्लाह ठीक माहौल ठीक है माहौल दिता जैसे सारे बंद जी ठीक है चलो गेम नहीं आता कि रखना चाहिए चंगा
ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਧੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧੋੜੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਪੁਰ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ ਹੋਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਗੁਲਪੁਰ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੂਣ ਹੈ ਮੁਬਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਵ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਆ ਅਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਆ ਉਸ ਫਾਲੋ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਚ ਸੁਣ ਸਕਣ ਦੀ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਦੱਸੀ ਸਕਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚੋਂ ਆਏ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਚ ਤੱਕੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਣੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰੀਨ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਮੈਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਸਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀ ਸਕਾਂ ਮਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ।